In today's session, we will not only discuss, first of all, the party system. We will first of all finish this. Party system हमने last class में start किया था. पहले party system finish कर लेंगे. उसके बाद में हम next topic आज अपना start करेंगे, social movements. तो सबसे पहले तो party system finish कर लेते हैं. Party system में हमने congress system detail में cover कर लिया है. एंड अब हम कवर कर रहे थे कोलिशन पॉलिटिक्स, जिसमें हमने रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बात की, हमने रीजनल पार्टीज डिस्कस किया. अब हम डिस्कस करने वाले हैं कोलिशन पॉलिटिक्स में ही कि कौन कौन से यूनिक फीचर्स हैं इंडिया का जो कोलिशन कल्चर है उसमें. व्हाट आर द यूनिक फीचर्स इन इंडियाज कोलिशन कल्चर. तो यूनिक फीचर्स में क्या है इंडिया के केस में. एट द सेम टाइम आपको क्या लगता है कि कोलिशन डिजायरेबल है कि नहीं. इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, डाइवर्सिटी है इंडिया में बेसिकली. तो उस हिसाब से क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव होती है, तो वेदर दिस कोलिशन इज डिजायरेबल और नॉट, इस चीज पे आप ध्यान देते हैं. देखिए, सबसे पहले तो कोलिशन गवर्नमेंट होती कैसे, आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे कोलिशन गवर्नमेंट को, ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए. डेफिनेशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इज दैट कोलिशन गवर्नमेंट इज द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल में हमको नहीं देखने को मिलता है कोलिशन गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही देखने को मिलता है. और कोलिशन गवर्नमेंट तब आती है जब एक पर्टिकुलर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो सरकार नहीं बना सकती, मान लीजिए, ठीक है, उसके पास में बेसिकली नहीं होती इतनी सीट्स. तो कोलिशन गवर्नमेंट तब इमर्ज होती है जब हंग असेंबली की सिचुएशन होती है पार्लियामेंट में. हंग असेंबली और हंग पार्लियामेंट होता है बेसिकली, हंग पार्लियामेंट, दैट्स व्हेन इट इमर्जेस. तो इसको लेकर के बेसिकली एक थिंकर है रिकर, इनका कहना है कि कोलिशन का मतलब होता है पावर. ये डिफाइन करते हैं कोलिशन इज अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, यानी कैसी अरेंजमेंट होती है कोलिशन जिसमें जो पावर है शेयर की जाती है आपस में, दैट इज कोलिशन. तो कोलिशन क्या सिर्फ एक इंडिया के केस में ही यूनिक फीचर है, ऐसा नहीं है. कोलिशन एक रेगुलर फीचर होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जहां पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रिवेल करता है वहां का रेगुलर फीचर होता है. तो यूरोप में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर कोलिशन पॉलिटिक्स अभी भी चलती है, ठीक है. लेकिन इंडिया में कोलिशन की शुरुआत होती है, ऐसा नहीं है कि 1989 से शुरू हुआ, 1937 में, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस हम देखेंगे कि 1937 में कोलिशन गवर्नमेंट बनाई गई थी. इनफैक्ट कांग्रेस जो है, कांग्रेस के बारे में मैंने आपको बताया था, कांग्रेस को बोला जाता है इट इज अ रेनबो कोलिशन, रेनबो कोलिशन, या इसको ग्रैंड कोलिशन बोला जाता है क्योंकि सभी अलग अलग तबके के लोग, यू नो, अलग अलग स्टेटस के, अलग अलग कैटेगरी से, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, सभी कांग्रेस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे. तो कांग्रेस एक यू नो ग्रैंड कोलिशन है. इनफैक्ट आज के टाइम पे जनता पार्टी जो है, यू नो, इवन जनता पार्टी वाज अ यू नो कोलिशन ऑफ मेनी नॉन कांग्रेस पार्टीज. जो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करती थी उसी के कोलिशन में जनता पार्टी बनी थी. तो कोलिशन पॉलिटिक्स लेकिन इंडिया में ज्यादातर जो रेगुलरली फॉलो की गई वो 1989 के बाद ही आई. सबसे पहले तो 1937 में हमें देखने को मिलेगी, लेकिन 1989 ऑनवर्ड्स हमें ज्यादा देखने को मिलेगी कोलिशन पॉलिटिक्स. एंड इसके बाद से ये काफी रेगुलर हो गई है, ठीक है. एंड व्हाट वी सी इज स्टेट लेवल पे कोलिशन आ गया था, ये तो नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं. स्टेट लेवल पे फोर्थ जनरल इलेक्शंस जब हुए थे उसी के साथ में कोलिशन आ चुकी थी, कोलिशन स्टेट लेवल पे आ चुका था. तो स्टेट लेवल पे तो काफी ज्यादा मैच्योर स्टेज पे है,
कोएलिशन की जो पॉलिटिक्स होती है यूनियन लेवल पे इतना मच्योर नहीं है अभी भी, जैसे केरला हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं एक मेच्योर कोएलिशन कल्चर के, क्योंकि स्टेट लेवल पे काफी पहले आ चुकी थी। तो इंडिया में कौन कौन से यूनिक फीचर हैं इंडियन कोएलिशन कल्चर के, लेट अस टॉक अबाउट दोज फीचर्स। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अकॉर्डिंग टू ये जो यूनिक फीचर्स बता रहे हैं, ये विद्युत चक्रवर्ती ने बताए हैं। विद्युत चक्रवर्ती, इनका मानना है कि कौन कौन से यूनिक फीचर हैं इंडियन कोएलिशन कल्चर में। सबसे पहला आ जाता है कि देखिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज में हमको कोएलिशन देखने को मिलती है, वो कोएलिशन है बाय डिजाइन, ये बनाया ही ऐसा गया है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इसको हाईली रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो कोएलिशन दिखती है वो डिजाइन ही ऐसा है, ताकि सभी तरीके की जो लोग हैं अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सभी को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन इंडिया के केस में जो कोएलिशन हमें देखने को मिलता है वो डिजाइन के बेसिस पे नहीं है। इंडिया में जो कोएलिशन हम देखते हैं वो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस के बेसिस पे आता है, यानी पार्टीज पावर में आना चाहती हैं तो पॉलिटिकली ये लोग कैलकुलेट करती हैं, ठीक है, ये डिजाइन के लिए सर्च नहीं करी है, दे आर वर्किंग ऑन द पॉलिटिकल कैलकुलेशन कि पॉलिटिक्स में कैसे सत्ता में आया जाए, उसमें बेस्ड है। एक तो ये यूनिक फीचर है। दूसरा हम देखते हैं कि कोलेशन के बारे में बोला जाता है कि कोलेशन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होती है, आपस में पावर शेयर करते हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में हमें देखने को मिलेगा कि वहां पर मिनिमम विनिंग कोलेशंस होती हैं, मिनिमम विनिंग कोलेशंस। इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, इंडिया में ओवरसाइज्ड कोलेशन है, ओवर साइज्ड कोएलिशन। ये चीज इंडिया में अलग है, तो एक ये चीज यूनिक है, ठीक है। यहाँ पर जो कोएलिशन होती है इतनी ज्यादा लेवल पे नहीं होती, यहाँ पर हम देखेंगे कि ओवर साइज्ड है बहुत। नेक्स्ट यूनिक फीचर इज रिगार्डिंग कोएलिशन कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो कोएलिशन बनाई जाती है उसमें आइडियोलॉजी अकाउंट में ली जाती है, मतलब सेम आइडियोलॉजी के आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन इसमें होगा, सेम आइडियोलॉजिकल लेवल पे दोनों पार्टीज अगर बिलीव कर रही हैं तो ही वो कोएलिशन बनाएगी। तो यहाँ पर आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन होती है वेस्टर्न कंट्रीज में, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया के केस में हम देखेंगे कि आइडियोलॉजिकल कन्वर्जन से ज्यादा रेनबो कोएलिशन प्रेजेंट होती है, यानी आप अलग अलग आइडियोलॉजी से भी बिलोंग करते हो लेकिन तो भी आप कोलिशन का पार्ट बन जाते हो, जैसे कांग्रेस के केस में हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हम देखेंगे कि बहुत ही लोग इसका पार्ट बनेंगे, ठीक है, और कम्युनिस्ट भी होंगे बहुत सारे, और दलित्स भी होंगे, ओबीसी भी होंगे, तो ये रेनबो कोलिशन है। इनफैक्ट इंडिया के केस में एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि नेगेटिव कोलिशन ज्यादा हाईलाइटेड होती है, नेगेटिव कोलेशन देखने को मिलती है, ये एक रेगुलर फीचर है। देखिए कोलेशंस ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को रन करने के लिए बनाई जाती है, बट कोलेशंस बनाई जाती है नेगेटिव सेंस में, कि अगर हम सरकार नहीं रन कर पा रहे हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को नहीं रन करने देनी है, तो नेगेटिव एस्पेक्ट में कोलेशन इंडिया में बनाई जाती है टू स्टॉप समवन, टू स्टॉप समवन एल्स फ्रॉम कमिंग टू पावर, फ्रॉम कमिंग टू पावर। जैसे लेट मी टेल यू, अभी आपको पता है कि बीजेपी के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए कांग्रेस ने जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ में हाथ मिला लिया था, अलायंसेस बनाए थे, कोलेशन बनाया था, और ये इसीलिए बनाया गया था ताकि बीजेपी को पावर में आने से रोका जा सके। तो
इंडिया में एक यूनिक चीज है, नेगेटिव कोलिशन का कॉन्सेप्ट हमें इंडिया के केस में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो कोर पार्टी होती है, जो मेन पार्टी होती है, वो प्रैक्टिस ऐसी फॉलो नहीं करती है, कंसल्ट नहीं करती है अपने जो भी कोलिशन पार्टनर्स होते हैं उनके साथ में। यूजुअली ऐसा होता है। हाँ, जैसे महाराष्ट्र के केस में आप देख सकते हो, यूपी के केस में देख सकते हो, हरियाणा के केस में भी देखा जा सकता है। दिस इज व्हाट वी सी इन टर्म्स ऑफ दिस कोएलिशन। तो ये कुछ यूनिक फीचर हैं, चार पांच यूनिक फीचर्स हमने आज देखे कोएलिशन के, कि एक तो कंसल्ट भी नहीं करते हैं एक दूसरे को कोएलिशन में, जिसके चलते कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए, पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये हो गया कि क्योंकि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा रहेंगे इसमें, तो प्रॉब्लम यहाँ पर इट डज नॉट लाई विद द कोएलिशन, प्रॉब्लम है इंडियन कोएलिशन कल्चर में। कोएलिशन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो कल्चर इंडिया में फॉलो किया जाता है कोएलिशन को लेकर के, उस कल्चर में प्रॉब्लम है। जैसे एक तो सबसे पहले जो इंडिया में कल्चर फॉलो किया जाता है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल यहाँ पर कन्वर्जेंस नहीं होता है, सेम आइडियोलॉजी वाले कोएलिशन नहीं बनाते हैं, बस सामने वाले को पावर में नहीं आने देना है, इसलिए कोएलिशन अगर बनाया जाता है तो इसके चलते होता क्या है कि कभी भी पॉलिसी लाई जा रही है या कोई डिसीजन लाया जा रहा है, वो डिसीजन नहीं ये लोग पारित होने देंगे, ये लोग पास होने देंगे, तो जिसके चलते इट रिजल्ट्स इनटू पॉलिसी पैरालिसिस, जैसे यूपीए सरकार में हो रहा था। ऐसे ही कोलेशन के चलते देर इज अ डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि आपस में जो पार्टीज हैं वो लड़ती ही रहती हैं, अंदर ही जो पार्टी है फ्लो टेस्ट होता रहता है, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, बिकॉज ऑफ दिस देर इज ऑल्सो डिक्लाइन इन द डिग्निटी ऑफ स्पीकर, क्योंकि जो भी स्पीकर जिस भी पार्टी का सपोर्ट करेंगे ये सभी, और कोई भी स्पीकर लेकर के आएंगे, उसकी पोजीशन इतनी डिग्निफाइड नहीं होगी, बिकॉज ये माना जाएगा कि ये स्पीकर बायस्ड है, ऐसा माना जाएगा। दूसरा, क्योंकि कोएलिशन पॉलिटिक्स होती है, पार्लियामेंट काम नहीं कर पाती है, तो ऐसे में जुडिशियरी एक्टिव हो जाती है, तो हमें जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म भी देखने को मिलता है। कैसे? क्योंकि देखो, कोएलिशन में पॉलिसी पैरालिसिस रहेगा, कोई पॉलिसी आएगी नहीं, पॉलिसी नहीं आएगी तो सरकार को अगर कोई लॉ लेकर के आना है तो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के थ्रू लॉ लाया जाएगा रादर देन लेजिस्लेचर, तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है इसका। इसके अलावा हम देखते हैं कि क्योंकि कोलिशन पॉलिटिक्स होती है तो फ्लो टेस्ट फेल हो सकता है, तो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस भी बहुत होते हैं ऐसे में, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होने के बहुत कोलिशन कल्चर में रहता है। इसके अलावा व्हाट वी सी इज दैट हॉर्स ट्रेडिंग रहती है इसमें, दिस इज अगेन द फीचर बेसिकली। वेट अ मिनट, देखिए हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब है कि यहां पर वोट ट्रेडिंग रहेगी, मतलब रहेगा क्या यहाँ पर, कि वोट अपने बेचे जाएंगे, जैसे क्योंकि कोएलिशन अनस्टेबल होता है, ठीक है, तो एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए उनको मुआवजा दिया जाता है इस हिसाब से, सो दैट इज हॉर्स ट्रेडिंग। एंड इसके चलते हम देखते हैं डिफेक्शन भी, इट रिजल्ट्स इनटू डिफेक्शन आल्सो, डिफेक्शन बहुत ज्यादा होता है, जो पार्टी के एमएलएज एमपीज होते हैं, अब जैसे उन्होंने कोएलिशन पहले बनाई लेकिन वो उसको छोड़ करके दूसरी पार्टी के साथ में चले गए, सो दिस इज व्हाट वी सी, ठीक है, डिफेक्शन हो जाएगा, पॉलिटिशियन विल चेंज द पार्टीज। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं देर इज इंक्रीजिंग रोल ऑफ मनी,
जब भी कॉलिशन होगा देर विल बी इंक्रीजिंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर. मसल पावर. नेक्स्ट हम देखते हैं देर इज इंक्रीजिंग रोल ऑफ एथनिक मोबिलाइजेशन. एथनिसिटी के बेस पे काफी मोबिलाइज किया जाता है एंड कोलेशन में प्राइम मिनिस्टर इतना पावरफुल नहीं रहते, तो जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन होती है वो बहुत ही वीकन हो जाती है. सो वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ कोलेशन. एंड इसके अलावा एक और कॉन्सिक्वेंसेस ये भी हो सकता है कि करप्शन बहुत बढ़ जाएगी ऐसे में, क्योंकि ये सभी सिर्फ पावर में आना चाह रहे हैं. ये नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं. आजकल पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे भी इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दे रही है. दे आर ऑल अबाउट कैचल पार्टीज. पावर में आना है बस, सामने वाले को पावर में नहीं आने देना है. तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कोलिशन के. तो जब भी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्या इंडिया के केस में कोलिशन डिजायरेबल है कि नहीं, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है, ठीक है, कि इस कोलिशन अवॉइडेबल इन अ कंट्री लाइक इंडिया. क्या कोलिशन को अवॉइड किया जा सकता है इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर डाइवर्सिटी है? देखिए कोलिशन अवॉइडेबल तो नहीं है, अवॉइड तो इसको नहीं किया जा सकता है गिवन दैट कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है. देयर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी इन इंडिया. लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है हमारे लिए सोचना कि हाउ टू मेक कोलिशन वर्क, हाउ टू मेक दिस वर्क, रादर देन थिंकिंग ओवर द डिजायरेबिलिटी. इस चीज पे ध्यान मत दो कि कोलिशन फायदेमंद है कि नहीं, ये तो रहेगी, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता. लेकिन ज्यादा चीज ज्यादा फोकस इस पे होना चाहिए हाउ टू मेक द कोलिशन वर्क. हाउ इट कैन वर्क, बिकॉज कोलिशन वैसे बुरा नहीं है. कोलिशन इनफैक्ट डेमोक्रेसी को, कोलिशन का फायदा यही है कि ये डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाता है और भी ज्यादा. इट मेक्स डेमोक्रेसी मोर रिप्रेजेंटेटिव. इट मेक्स डेमोक्रेसी मोर कॉन्सोशिएशनल. कॉन्सोशिएशनल मतलब जो सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं उन सभी का कंसेंसस मिल जाता है, ठीक है, सोसाइटी का कोएलिशन के थ्रू, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी यहाँ पर. तो कोई भी आप पॉलिसी लाओगे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इसका पार्ट होंगे कोएलिशन का. तो हमको इस चीज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि कोएलिशन नेशनल इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है. अगर कोएलिशन हेल्दी कंडीशन में नहीं बनाया गया है, मतलब कि एक आइडियोलॉजी के बेस पे या इस रीजन से नहीं बनाया गया है कि हमको देश चलाना है, देश को ग्रोथ बेसिकली वी हैव टू अटेन, अगर इस पर्सपेक्टिव से नहीं बनाया गया है तो इससे काफी नुकसान होगा, इम्पैक्ट कर सकता है ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को इफ द कंट्री डज नॉट हैव हेल्दी कोलिशन कल्चर. सो इसीलिए वी हैव टू थिंक हाउ टू ब्रिंग अ हेल्दी कोलिशन, हाउ टू मेक इट वर्क. ये कल्चर कैसे लाया जाए, और हम ये सीख सकते हैं दूसरी कंट्री से, जैसे जर्मनी जैसी कुछ कंट्रीज हो गई. जैसे जर्मनी में एक बहुत ही अच्छा कोलिशन कल्चर फॉलो किया जाता है. जैसे कुछ फीचर्स जर्मनी में है वही सभी फीचर्स हम इंडिया में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में. जैसे कि इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है एट प्रेजेंट वो एंटायरली जो वेस्ट मिनिस्ट्रियल मॉडल है ब्रिटेन का उस पर डिपेंडेंट है. जर्मनी में क्या होता है, जो चांसलर होता है बेसिकली जर्मनी का, वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटस बेसिकली उसके पास होता है, ठीक है, एक्वायर करता है. इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है या जो ब्रिटिश मॉडल में प्राइम मिनिस्टर है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटस होता है जर्मनी के चांसलर का. इसीलिए मेजर प्रॉब्लम कोलिशन पॉलिटिक्स की यही रहती है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है. तो हम ऐसा कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. वी कैन इंस्टीट्यूट द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ या तो जर्मनी का मॉडल या फिर जापान का मॉडल भी है. एक जापानीज मॉडल में प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, पहले
जो लोअर हाउस के मेंबर्स होंगे सभी एमपीज आएंगे। ये जो एमपीज होंगे जैसे इंडिया के केस में लोकसभा के, जापानीज मॉडल में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर पार्टी प्रेसिडेंट वगैरह नहीं होता, ये इलेक्ट किया जाता है आपस में, तो इलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, या तो ये चीज जापान में फॉलो की जाती है। जर्मनी में अलग चीज फॉलो की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दी जाएगी, मतलब प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से यहाँ पर चांसलर होंगे तो उनको स्ट्रॉन्ग पावर दी जाएगी, स्ट्रॉन्ग स्टेटस दिया जाएगा कंपैरेटिवली, जिससे कि अगर कभी कोई इंस्टेबिलिटी आती भी है तो इनका स्ट्रॉन्ग एक पोजिशन रहेगी तो ये टैकल कर पाएंगे। तो इंडिया को भी ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है, ऐसे प्रैक्टिसेस को। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के थ्रू अपने जितने भी कोलिशन के मेंबर्स होते हैं उनके साथ में कंसल्टेशन लेनी चाहिए। ऑब्वियसली मोर डेमोक्रेटिक मोर रिप्रेजेंटेटिव होता है तो वो यूटिलाइज करना चाहिए। मान लीजिए कि जो कोर पार्टी है, अगर कोर पार्टी ट्रांसपेरेंसी चाहती है तो देर विल बी लेस स्कोप फॉर बार्गेनिंग बाय द स्मॉलर पार्टी। देर इज नीड फॉर देयर फॉर रिफॉर्मिंग दी एंटी डिफेक्शन लॉस, इसको रिफॉर्म इसमें लाने की जरूरत है, क्योंकि आपस में जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पे भागते रहते हैं। ठीक है, दूसरे पार्टीज के स्विच करते रहते हैं, तो हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी डिफेक्शन रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। देर इज अ नीड कि हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके चलते हम करप्शन पे अब कुछ लगाम कस पाए। एट द सेम टाइम व्हाट वी कैन डू इज लाइक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम ला सकते हैं। तो यानी एक तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर सकते हो आप, या फिर एक बात कर सकते हो आप करप्शन को चेक पे रखने के लिए कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं इन अदर मैटर्स, इन अदर एरियाज। ट्रांसपेरेंसी के लिए एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। एंड देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अगर आएंगे तो इसके चलते जो मनी पावर है, जो मसल पावर है आज के टाइम पे इंडियन पॉलिटिक्स में, जो इतनी इन्फ्लुएंस करती है, इसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसके इन्फ्लुएंस को हम कास्ट पॉलिटिक्स को इसके इन्फ्लुएंस को रिड्यूस कर सकते हैं, हम रिलीजन को इंडियन पॉलिटिक्स में रिड्यूस कर सकते हैं इसको। और वो कैसे किया जा सकता है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। सो देर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस एथिक्स इन पॉलिटिक्स। अगर हम एथिक्स लाएंगे यहाँ पर तो ऑब्वियसली ये सब चीजें रोकी जा सकती हैं, कोलिशन को बेहतर काम करवाया जा सकता है। तो इंडिया का जो कोलिशन कल्चर है वो इटली का जो कोलिशन कल्चर है उसके काफी क्लोज आता है, इंस्टेबिलिटी वगैरह बनी रहती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो लेफ्ट पार्टीज हैं इंडिया की उनका क्या स्टेटस है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ लेफ्ट पार्टीज इन इंडिया? एक्चुअली लेफ्ट पार्टी से रिलेटेड देयर इज प्रफुल्ल बिदवाई। इनका कहना है, इन्होंने एक बुक लिखी है, बेसिकली बुक का नाम है फिनिक्स मूवमेंट। फिनिक्स मूवमेंट, फिनिक्स मूवमेंट, जिसमें ये इंडियन लेफ्ट के बारे में लिखते हैं, दैट व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इंडियन लेफ्ट, चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग इंडियन लेफ्ट। दिस इज द नेम ऑफ द बुक, दिस इज द सब टाइटल ऑफ द बुक। इसमें ये सजेस्ट करते हैं कि आज के टाइम पे जो लेफ्ट है, जैसे कांग्रेस हो गई, इट इज डिक्लाइन, इन द स्टेट ऑफ डिक्लाइन। एंड इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि लेफ्ट इन इंडिया कुड नेवर टेक रूट डिस्पाइट द प्रेवलेंस ऑफ मास पॉवर्टी, क्योंकि जो लेफ्ट पार्टीज होती हैं ये अपने आप को पॉवर्टी से एसोसिएट करती हैं, पुअर लोगों से एसोसिएट करती हैं, जो लोग गरीब होते हैं। और इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वी सी मास पॉवर्टी होने के बावजूद भी डिक्लाइन हो गई लेफ्ट। ये काफी सरप्राइजिंग था बेसिकली। एंड ये भी सरप्राइजिंग है कि जो यूथ है इंडिया का, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स राइट नॉट लेफ्ट।
राइट की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है रादर देन लेफ्ट। अब राइट में आप बीजेपी को डाल सकते हो इसमें, बीजेपी इज द राइटेस्ट। लेफ्ट में आ जाएगा आपका कांग्रेस। मतलब अभी बेसिक मैं आपको बता रही हूँ लेफ्ट एंड राइट का, ज्यादा डिटेल में है नहीं हम जा रहे हैं, सेंटर लाइट और लेफ्ट लाइट लाइक दैट। तो 2014 का जो इलेक्शन है उसमें अगर आप देखोगे तो कितना वर्स परफॉर्म किया है कांग्रेस ने, लेफ्ट ने इनफैक्ट। लेफ्ट की अगर हम बात करें जो मास पॉवर्टी से रिलेट करते हैं अपने आप को, तो दे जस्ट गॉट 12 सीट्स, प्योर लेफ्ट की अगर हम बात करें। और इनका जो वोट शेयर था वो सिर्फ 4.8% था, जिसमें से 3% जो शेयर इनका आया है वो एग्रीकल्चरल लेबरर से आया है और 5% यहाँ से वर्कर से आएगा, वर्कर्स हैं, बहुत कम आया है मतलब। तो हम देखते हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी लेफ्ट की, दैट वाज इन 2004 में थी, जब लेफ्ट जो पार्टीज थी इन्होंने दे गॉट 64 सीट्स। 2014 में तो 12 सीट्स ओनली। तो इनिशियली तो लेफ्ट देखिए एक मेजर ऑपोजिशन हुआ करती थी कांग्रेस के, इसका जो वोट शेयर था काफी ज्यादा हुआ करता था, इट वाज डबल द वोट शेयर ऑफ इवन बीजेपी। तो जो बीजेपी की पहले फॉर्मर थी जनसंघ, ठीक है, इट वाज राइटिस्ट बेसिकली, उससे भी डबल वोट शेयर हुआ करता था इनका। लेकिन आज के टाइम पे जो राइटिस्ट की पोजीशन है इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, ठीक है, इन जैसे बीजेपी के साथ में ही हम देखें अगर, तो बीजेपी हैज गिवन एटलीस्ट अ टेम्पररी हॉल्ट टू द कोएलिशन पॉलिटिक्स अभी फिलहाल। अभी देखते हैं अगर अगली बार भी, नेक्स्ट टाइम पे जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं, लाइक अभी 2019 में हुए हैं, 5 साल बाद दोबारा होंगे 2024 में, तो दैट्स व्हेन वी विल बी एबल टू से मोर कि कैसा ट्रेंड है। अगर उस टाइम पे भी बीजेपी डोमिनेंट होती है तो वी कैन से दैट देयर इज अ डोमिनेंट ट्रेंड नाउ, अगेन वन सिंगल पार्टी डोमिनेंट सिस्टम आ चुका है। लेकिन अगर उसमें भी मतलब हो सकता है कि दोबारा से कोलेशन आ जाए, वी नेवर नो राइट, क्योंकि ये तो चेंज होता ही रहता है, कोलेशन पॉलिटिक्स का जो कल्चर है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक टेम्पररी हॉल्ट तो दिया है कोलेशन पॉलिटिक्स को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी सी दैट लेफ्ट हैज गॉट कम्प्लीटली मार्जिनलाइज्ड इस पूरे केस में, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है जो इंडियन लेफ्ट है, क्योंकि इनका स्टैंड अब बहुत शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल में जो इनका स्टैंड हुआ करता था, अब ये इंडियन मासेस का वो ट्रस्ट नहीं गेन कर पा रहे हैं। एट द सेम टाइम ना तो तब ना ही आज लेफ्ट ने कभी भी कोई सीरियस अंडरस्टैंडिंग दी है किसी पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस पे। मान लीजिए कोई एक अपनी सीरियसली यू नो दे हैव स्टैंड पॉइंट अपना दिया हो, दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्टेड ऑफ टाइम्स, अपना खुद का कुछ नहीं है, इम्पोर्ट करके ये बता देते हैं बेसिकली। सो द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म डज नॉट अलाउ द डिसेंट एंड यू नो द डिसेंट एंड यू नो द इंटरनल डिबेट हैज बिन द फैक्टर फॉर वीकनिंग ऑफ लेफ्ट। अंदर ही जो होती है ना आपके पार्टी के अंदर में ही डिबेट्स एंड डिस्कशंस, वही नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वी सी दैट कि इसमें होता क्या था कि हाई कमांड कल्चर फॉलो होता है लेफ्ट में, कि हाई कमांड से जो चीज आई वही फॉलो करनी है, लोगों से उनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो मेंबर के हैं पार्टी के उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं उनका कोई राय नहीं आएगी। तो देयर इज अ हाई कमांड कल्चर इन लेफ्ट पार्टीज। जो लेफ्ट लीडर्स होते हैं लोगों के साथ में भी लिंकेजेस नहीं रहते। सो व्हाट वी सी इज कि यू नो मोस्ट ऑफ देम हैव बीन पिक्ड अप फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, ये लोग अच्छी जगह से एजुकेटेड है और यू नो ज्यादातर यूथ जो अट्रैक्ट हो रहा है वो यूनिवर्सिटीज वाली साइड से इनके साइड पे अट्रैक्ट हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वी फाइंड कि जो नीचे गरीब लोग हैं उनके साथ में इनका कांटेक्ट नहीं अब उस हिसाब से बन पा रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो लेफ्ट का एजेंडा भी है यू नो मास पॉवर्टी का, आज के टाइम पे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वो हाईजैक कर लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने आप को वैसे प्रेजेंट करती है कि हम जो मासेस हैं जो गरीब लोग हैं उनके हित में काम करते हैं,
और इनफैक्ट इसके अलावा हम देखें तो अभी रिसेंटली आम आदमी पार्टी ने भी यही चीज की बात की है कि जो वर्कर्स हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, बेसिकली जो पुअर लोग हैं, उनके लिए आम आदमी पार्टी काम करती है। तो कांग्रेस वॉज अ बेटर वर्जन ऑफ द इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, लेकिन आम आदमी पार्टी इज अ बेटर वर्जन ऑफ लेफ्ट टूडे। सो दिस अ लैक ऑफ इंटरनल सॉलिडारिटी अमंग द लेफ्ट पार्टीज, अंदर ही मतलब सॉलिडारिटी ही नहीं है। मेन फीचर्स में ये आ जाता है लेफ्ट पॉलिटिक्स में कि जो पॉलिटिक्स है यू नो, इसमें सोशल मूवमेंट्स बेसिकली रेडिकल डेमोक्रेसी के बेस पे चलते हैं कि जो छोटे लोग हैं, जो 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 यू नो गरीब लोग हैं, उनके पास उनको एम्पावर करना चाहिए। लेफ्ट पार्टीज उस पर ध्यान देती हैं, लेकिन अपने आप को ये भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तक ही कन्फाइंड रखती हैं, ज़्यादा वर्क नहीं करती हैं अवेयरनेस में और इन सब चीज़ों में। तो दे हैव नॉट डन द पॉलिटिक्स ऑफ क्लास और डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कोई डेवलपमेंट ही हो यू नो कास्ट के बेस में, रिलीजन के बेस पे इनसे करवाना हो तो दे आर वेरी एक्टिव, डेवलपमेंट के नाम पे नहीं करते हैं। वी सी तो ग्लोबलाइजेशन के चलते तो वैसे भी जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी है काफी रिडंडेंट हो गई है, बिकॉज लेफ्ट आइडियोलॉजी का मतलब है यू नो, आज ग्लोबलाइजेशन के चलते यूथ की जो रिक्वायरमेंट है, यूथ जो है ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाता जा रहा है, उनके एम्बिशंस चेंज हो रहे हैं, तो उसको भी लेफ्ट अपने जो मैंडेट्स हैं, अपनी जो मैनिफेस्टो है उनका, उसमें नहीं इनकल्केट कर पाती हैं। तो व्हाट वी सी इज कि लेफ्ट की जो फॉरेन पॉलिसी रही है इनका, जितना भी अभी तक व्यू रहा है, कहीं ना कहीं वो यू नो रिडंडेंट हो गया है आज के टाइम पे। तो फॉरेन पॉलिसी भी ऑलमोस्ट अब तो ऐसा माना जाता है कि लेफ्ट इज नथिंग बट कांग्रेस ओनली, इट इज नथिंग बट कांग्रेस। तो इनफैक्ट यू नो यस, द लेफ्ट हैज लॉस्ट द कनेक्शन विद द यूथ एज वेल, एंड वी सी दैट जो स्ट्रांगेस्ट एडवोकेट है आज के टाइम पे नॉन अलाइनमेंट का, इट इज नॉट कांग्रेस, रादर इंडियन लेफ्ट नॉन अलाइनमेंट का, किसके साथ अलाइन नहीं होना है फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस में भी हम देखते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी में भी काफी रिडंडेंट हो गया है, क्योंकि आज के टाइम पे नॉन अलाइनमेंट क्या इम्पोर्टेंट है, राइट? सो लेफ्ट में एक तो लीडरशिप की कमी है, ठीक है, ऐसे कैरिज्मेटिक लीडर्स नहीं है, ये भी एक रीजन है। जैसे 2014 के अगर आप इलेक्शंस देखोगे तो इसमें कोई भी एक ऐसा लेफ्ट लीडर नहीं था जो टॉप 10 प्रेफरेंसेस में रहा हो प्राइम मिनिस्टरियल पोस्ट के लिए। लेफ्ट पार्टी तो डिक्लाइन होती जा रही है, एंड एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन के चलते जो फुटलूज वर्कर्स हुआ करते थे, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू बिल्ड दी यू नो ट्रेड यूनियंस, उनको ऑर्गेनाइज करना आजकल थोड़ा डिफरेंट है, ग्लोबलाइजेशन के चलते भी कुछ चैलेंजेस हुए हैं। दूसरा ये है कि वेस्ट बंगाल में भी लेफ्ट हार गई, बिकॉज लेफ्ट गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल यूज्ड फोर्स इन हिज ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी, दे फेवर्ड द कॉरपोरेट क्लास बिकॉज ऑफ दैट। अपने आप को जिसके साथ में एसोसिएट करते हैं वो मासेस के साथ में, उनका साथ नहीं दिया, दे फेवर्ड द कॉरपोरेट क्लास, द रिच क्लास, जिसके चलते वेस्ट बंगाल में भी डिक्लाइन हो गया है। तो सजेस्ट बेसिकली यही किया जा रहा है कि जो इंडियन लेफ्ट है, इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है। ये बेहतर रहेगा अगर वो अपने जो उनका ओरिजिनल आइडिया था लेफ्ट पॉलिटिक्स का, दैट इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट, कि रेडिकल डेमोक्रेसी लानी चाहिए, यू नो जो भी एक्सप्लॉयटेड सेक्शंस हैं सोसाइटी के उनको ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, उनके राइट्स के लिए काम किया जाना चाहिए, इन चीज़ पे दोबारा से फोकस करे लेफ्ट पार्टी। तो ये कुछ सजेशंस हैं, मतलब लेफ्ट पार्टी का डिक्लाइन हो रहा है, इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए दैट यू कैन कोट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गिव द सजेशन एट द एंड, आपको कंक्लूजन देना है अगर, जैसे मुस्कान हैज अ हार्ड टाइम राइटिंग कंक्लूजन्स, तो कंक्लूजन में आप ऐसे लिख सकते हो, कुछ सजेशन दे सकते हो यहाँ पर कि क्या किया जाना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए, एंड यू नो अपनी उस आइडियोलॉजी को जो ओरिजिनली ये फॉलो करते थे उसी को रिवाइव करना चाहिए, उसी पे काम करना। तो लेफ्ट का तो देखिए डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन राइट का राइज हो रहा है, देयर इज राइज ऑफ राइट।
इनफैक्ट आप देखोगे 1984 में दो सीट्स थी राइट की, बीजेपी की, और 2014 के इलेक्शंस में हम देखेंगे 282 सीट्स मिलेंगी। यानी ऐसा क्या हुआ इन 30 सालों में, 30 ईयर्स का डिफरेंस है। एंड वी सी कि दो सीट से 282 सीट्स पे ये लोग चले गए। तो आप जब इतना सिग्निफिकेंट चेंज देखते हो, इतना ऑल्टरिंग ट्रेंड देखते हो, तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते कि वेदर देर इज अ राइज ऑफ राइट और नॉट। इट इज एविडेंट कि देर इज अ राइज ऑफ राइट। इनफैक्ट एक बुक लिखी है, एक स्कॉलर है, इनका नाम है थॉमस ब्लॉम। हंसन बुक का नाम है सैफरन वेव, सैफरन वेव, दिस इज द बुक। ये ना राइट से रिलेटेड एक बुक है, सैफरन वेव। सैफरन वेव इज द नेम ऑफ द बुक। And let me check if the spelling is correct or not. Net is not working. Now it is. हाँ, थॉमस ब्लॉम हैंसन। हाँ, आई वॉज रॉन्ग, इट इज ई एच एन एस ई एन, दिस इज वॉट आई वॉज चेकिंग, इट इज ई। हाँ, थॉमस ब्लॉम हैंसन, इनके बुक है सैफरन वेव। तो इस बुक में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से बीजेपी का राइज हुआ है एंड किस तरीके से देर इज नाउ द राइज ऑफ द फोर्सेस ऑफ हिंदुत्व इन इंडिया, फोर्सेस ऑफ हिंदुत्व, हिंदू कल्चर को बहुत ही ज्यादा अब वो दिया जा रहा है आजकल के टाइम पे। तो उस हिसाब से इन्होंने सैफरन वेव अपनी बुक लिखी है, और उसमें ये चीज एविडेंट है, इन्होंने भी बात की है दैट देर इज कंप्लीटली अ राइज ऑफ राइट। ऐसे ही एक और स्कॉलर है मिलन वैष्णव, मिलन वैष्णव, मिलन वैष्णव ने भी ये सजेस्ट किया है कि आज के टाइम पे जैसे लोग इलेक्शंस में बिहेव करते हैं, जो लोगों का इलेक्टोरल बिहेवियर है उसमें चेंज आया है। लोग आज कास्ट के नाम पे वोट नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं प्रायोरिटी आ रही है। तो ये बताते हैं कि बहुत लंबे समय तक इंडियन पॉलिटिक्स में सेक्युलरिज्म के नाम पे ज्यादातर ये बेस्ड होता था, इसमें एजेंडा होते थे। एक तो सेक्युलरिज्म पे बेस्ड होता था, दूसरा माइनॉरिटिज्म पे। ज्यादातर हम देखते थे इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा होता था, लेकिन आज के टाइम पे दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया गया है। इनफैक्ट आज के टाइम पे जो मेजोरिटेरियनिज्म हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इसके पीछे का फैक्टर है आज लोग किसको वोट दे रहे हैं। आज के टाइम पे लोग वोट दे रहे हैं गुड गवर्नेंस के बेसिस पे, गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिया जा रहा है, डेवलपमेंट के लिए वोट दिया जा रहा है। इसीलिए भी हम देखते हैं कि बीजेपी गॉट 282 सीट्स इन 2014 इलेक्शंस, इन 2014 इलेक्शंस। एंड ये चीज बहुत एविडेंट है क्योंकि इसके चलते हमें देखने को मिल रहा है कि देर इज अ डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस ऑल्सो। इनफैक्ट अगर बीजेपी की सीट्स हम देखें इस 2019 के इलेक्शंस में, तो वो भी आप देखोगे तो उस हिसाब से भी
यू विल गेट कि 303 सीट्स, पहले से भी ज्यादा सीट्स अब 2019 में मिली हैं। 2019 में बीजेपी गॉट 303 सीट्स, ठीक है, दिस इज सीट्स। 2019 में 303 सीट्स आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को पॉइंट करता है दैट देर इज अ राइज ऑफ राइट, देर इज अ राइज ऑफ राइट। आज के टाइम पे अब सेक्युलरिज्म इम्पोर्टेंट नहीं है, माइनॉरिटिज्म इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम, डेवलपमेंट के नाम पे वोट दे रहे हैं। जैसे अगर आप बीजेपी का देखोगे पूरा, जैसे हमने कांग्रेस का देखा कि किस तरीके से वोट्स मिले कांग्रेस को, ठीक है, 1967 तक कांग्रेस डोमिनेंट थी, उसके बाद कांग्रेस में ब्रेक डाउन शुरू हुआ, बिल्कुल वैसा ही अब बीजेपी के केस में देखते हैं, बीजेपी की टाइमलाइन देखते हैं। बीजेपी की टाइमलाइन में देखें, 19 करेंगे बीजेपी का, 1984 में बीजेपी को, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ 2 सीट्स मिली थी बीजेपी को। 2 सीट्स मतलब बीजेपी को 7.4% शेयर मिला था। फिर आता है नेक्स्ट इलेक्शंस, ठीक है, दिस इज एक्चुअली 1984, 1980, चलिए 1984 से करते हैं। 1989 में, आगे 5 साल बाद जब दोबारा इलेक्शंस होंगे तो वी सी बीजेपी को अब ज्यादा वोट्स मिलेंगे, 88 वोट्स मिले, मतलब 88 सीट्स आई, वोट्स कह रही हूँ मैं, सीट्स आई, 88 सीट्स का मतलब है अप्रोक्सीमेटली अब जो बेस शेयर होगा बीजेपी का बढ़ता जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे ट्रेंड मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से राइट इंडिया में ग्रो किया है राइट। 1989 के बाद में यू सी, उसी के 2 साल बाद दोबारा से जब इलेक्शन होंगे 1991 में, तब बीजेपी के पास में 120 सीट्स आएंगी। अब जो परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज 20.95% वोट मिलेगा। आगे देखते हैं हम 1991 के बाद में, 5 सालों बाद जब इलेक्शन होंगे 1996 में, अब बीजेपी को 161 सीट्स मिलेगी। और यहाँ पर आप देखोगे कि 20 पॉइंट थोड़ा सा घटा है कंपैरेटिवली यहाँ पर जितने पहले मिले थे, क्योंकि अब कोलिशन पॉलिटिक्स आना शुरू होगी, राइट। तो 1998 में देखते हैं, फिर उसके बाद जब 1998 में इलेक्शंस हुए तो बीजेपी को 182 सीट्स मिली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 25% वोट मिले, ठीक है। फिर आगे 1999 में बीजेपी गॉट 183 सीट्स। 2004 के इलेक्शंस में बीजेपी को 138 सीट्स मिली। 2009 के इलेक्शन में बीजेपी ने 116 सीट्स ही ली बस। एंड 2014 में 282 सीट्स। 2019 यू कैन सी कि राइज हो रहा है, धीरे 2 से शुरुआत हुई थी और बढ़ते 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 303 सीट्स पे गॉट। तो क्या कारण है इसका कि बीजेपी का जो सिस्टम है, बीजेपी राइट जो पार्टी है, ये इतना आगे ग्रो करी है, क्या कॉज है, क्या कारण है इसके, लेट अस टॉक अबाउट दैट, व्हाट आर द कॉज ऑफ दैट। सबसे पहले तो देखिए, बीजेपी को इतने वोट्स, राइज ऑफ राइट होने का रीजन ये है, बीजेपी को इतने वोट मिले, इतनी सीट्स मिली, रीजन है कि कांग्रेस डिक्लाइन हो रही थी, सबसे बड़ा कारण तो यही है, बिकॉज देर वॉज डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। दूसरा इसमें रीजन है कि लेफ्ट भी उतना रोल प्ले नहीं कर पाया और सीट्स टैप नहीं कर पाया, कांग्रेस को क्योंकि डिक्लाइन हो ही रही थी, लेफ्ट भी उसको टैप नहीं कर पाया, देर इज डिमाइज ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट भी खत्म हो गया। तीसरा हम देखते हैं कि बीजेपी जिस हिसाब से अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, इसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, बीजेपी क्या करता है ग्रास रूट लेवल के साथ में ऑर्गेनाइज, मतलब टच में रहता है, ठीक है, तो ग्रास रूट लेवल से कनेक्टिविटी बना के रखी थी, और वो धीरे 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 बढ़ाई इन्होंने। दूसरा रीजन है कि बीजेपी हमेशा नेशनलिस्टिक रिटोरिक को प्रमोट करता है, मतलब
अपने देश के नाम पे, पेट्रियोटिज्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, इस पे बहुत ध्यान देता है। तो कहीं ना कहीं हमें देखता है कि नेशनलिस्ट रेटोरिक इंडिया में बहुत बढ़ गया, ये भी रीजन है। देन एक और रीजन है जिसकी वजह से राइट इतना ज्यादा अफेक्ट हुआ और ग्रो किया, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, स्पेशली ग्लोबलाइजेशन। क्यों? क्योंकि देखिए, ग्लोबलाइजेशन के चलते हमारी कंट्री का फायदा बहुत हुआ। ग्लोबलाइजेशन के चलते जो NRIs थे उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है बीजेपी को। NRI सपोर्ट मिला है यहाँ पर, ठीक है, बीजेपी को, ग्लोबलाइजेशन के चलते। इसके चलते अब एथनिक पॉलिटिक्स जो होता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में एडवांसमेंट हो गई, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो वर्ल्ड वाइड इट हैज गिवन राइज टू एथनिक पॉलिटिक्स। लोग ज्यादा अवेयर हो गए अपने राइट्स को लेकर के। एट द सेम टाइम वी सी दैट इस्लामिक फंडामेंटलिज्म क्योंकि बढ़ गया धीरे धीरे, टेररिज्म की शुरुआत हुई, तो इस्लाम को लेकर के, मुस्लिम्स को लेकर के थोड़ा, स्पेशली आइसिस के चलते आज के टाइम पे हम देखेंगे तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का भी डर बहुत आ गया। तो उसमें भी ये भी रीजन है राइट का राइज करने का। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है राइट की, जो बीजेपी की इकोनॉमिक पॉलिसी है, आपने ये चीज देखी होगी। अब आप लोगों को नहीं पता बिकॉज यू गाइज आर न्यू टू दिस यूपीएससी फील्ड, लेकिन 2000 अगर आप 12 या 13 में मान लीजिए प्रिपेयर कर रहे होते, तो बिकॉज 2012-13 में कांग्रेस के राज में पॉलिसी पैरालिसिस था, कोई काम नहीं हो रहा था, करप्शन बहुत ज्यादा थी इंडिया में, तो पॉलिसी पैरालिसिस के चलते भी इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो भी थी, जैसी भी थी, ये लोग इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे थे, ठीक है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और इन सब चीजों पर। मतलब होती थी बातें डेफिनेटली, लेकिन ये सभी रीजंस भी थे। आगे हम देखेंगे जैसे ही 2014 में मोदी जी आएंगे, इकोनॉमिक बहुत सारे चेंजेस आएंगे, इनफैक्ट बहुत सारे चेंजेस आएंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम किया गया, स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए काम किया गया। ये रीजन है क्योंकि ये राइट की इकोनॉमिक पॉलिसी में आता है, इनके एजेंडा में आता है, ये मैच करता है ग्लोबलाइजेशन के साथ में। जो राइट की इकोनॉमिक पॉलिसी है, इट मैच विद ग्लोबलाइजेशन। इसका एक और रीजन भी है कि मिडिल क्लास भी इंडिया में कंपैरेटिवली ग्रो किया है, मिडिल क्लास ने, ग्लोबलाइजेशन के चलते मिडिल क्लास आई, एंड मिडिल क्लास कहीं ना कहीं डेवलपमेंट चाहती है, बेहतर अपॉर्चुनिटीज चाहती है अपने लिए। तो ये भी रीजन है कि हम देखते हैं कि देर इज अ राइज ऑफ ग्रोथ। और एक और रीजन है क्योंकि कांग्रेस में इंदिरा गांधी के बाद एक स्ट्रांग लीडरशिप नहीं आ पाई। मनमोहन सिंह पावर में थे, आपको पता है मनमोहन सिंह की लाइक ही वाज नॉट द वन टू टेक द डिसीजन। कोलिशन पॉलिटिक्स में तो कोई प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन कितनी वीक होती है, लेकिन ही हैज मैनेज्ड वेरी वेल डिस्पाइट ऑफ दैट, इज अ वेरी एमिनेंट पर्सनालिटी इन दैट केस। लेकिन हम देखेंगे कि बीजेपी के केस में स्ट्रांग लीडरशिप भी प्रेजेंट थी, एक कैरिज्मेटिक लीडरशिप प्रेजेंट थी, स्पेशली जब मोदी को लीडरशिप प्रोवाइड की गई 2014 में, जिस हिसाब से उसका एडवर्टिजमेंट किया गया, उसको जितना प्रमोट किया गया है मोदी के नाम को, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग लीडरशिप हमको देखने को मिलती है। ये सभी रीजंस हैं जिसकी वजह से देयर इज अ राइज ऑफ बीजेपी। तो इस पर्सपेक्टिव से जो सैफरन वेव जिन्होंने लिखी है बुक, दैट इज थॉमस ब्लॉम हंसेन, इनका कहना है कि बीजेपी का जो राइज था, जिसकी वजह से राइट या बीजेपी पावर में आई, ये रिलीजन की वजह से नहीं है, इट इज नॉट अ रिलीजियस फेनोमेना। ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पे पावर में आ गए।
रिलीजियस फेनोमिनन, ना ही हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल फेनोमिनन है, नॉट इवन अ पॉलिटिकल फेनोमिनन। Phenomenon. It is not even a religious phenomenon. It is not even a political phenomenon. It is all because BJP power mein aayi because of India mein democratic transformation hua hai. Log apne rights ko lekar ke aware hue, education aayi. ठीक है, कहीं ना कहीं तो डेमोक्रेसी वाइज लोग अब ज्यादा अवेयर हो गए हैं। तो इट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द बैकड्रॉप ऑफ दिस डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन द कंट्री। इनफैक्ट जो लोअर कास्ट हैं और जो ओबीसीज हैं, इवन लोअर कास्ट एंड ओबीसीज, ये भी अपने आप को मोबिलाइज कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि मिडिल क्लास प्रेजेंट है, मिडिल क्लास इज वेरी एंक्शियस। जो लोअर कास्ट हिंदूज हैं, इवन दे गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बीजेपी, SC ST, ये भी लोग अब बीजेपी की तरफ अट्रैक्टेड हुए। इसके मेजॉरिटेरियन रिटोरिक यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया, जो भी नेशनलिज्म के नाम पे चाहे किया गया हो, लेकिन दे गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तो ऐसा नहीं है कि प्योरली रिलीजियस फिनोमिनन है या प्योरली पॉलिटिकल फिनोमिनन है इसके पीछे, नहीं, कहीं ना कहीं नेशनलिज्म पे कल्चरल प्राइड के चलते डेवलपमेंट भी एजेंडा रहा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेनेंस का, करप्शन को लेकर के, इन सभी चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं ये एजेंडा रहा है। लोगों ने इसीलिए बीजेपी को वोट दिया, यही चीजें इन्होंने अपनी बुक में बेसिकली लिखी हैं। एक तो ये है, इनका व्यू आप लिख सकते हैं, एंड इसके अलावा आप बीजेपी के केस में किसी और को भी कोट कर सकते हैं इफ यू वांट। जेम्स मैनर, इफ यू वांट आप इनको भी कोट कर सकते हैं। जेम्स मैनर का कहना है कि कांग्रेस जब से डिक्लाइन हुई है, लोगों के पास में अब दो ही ऑप्शन बचे हैं कांग्रेस के डिक्लाइन के बाद, या तो है लेफ्ट या फिर है राइट। लेफ्ट आइडियोलॉजी, इनके पास ज्यादा इमेजिनेशन नहीं है अपने आप को इनको रिवाइव करने की जरूरत है, तो लेफ्ट तो काम नहीं करेगा, तो इसीलिए लोगों के पास में एक बेहतर ऑप्शन बस राइट ही बचा है। इट्स अ बेटर ऑप्शन, सभी पर्सपेक्टिव से देखा जाए इट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर पीपल, यही बचा है, इसीलिए लोग लेफ्ट और राइट में से बेटर ऑप्शन राइट है, तो लोगों ने बीजेपी को पावर में लेकर के आए लोग। ऐसे ही इसमें क्रिस्टोफर जेफरलॉट कहती हैं, इनका भी कहना है बेसिकली कि देर इज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आज के टाइम पे। पहले क्या होता था, कांग्रेस के अंडर में हिंदू काफी इनसिक्योर थे, क्यों? क्योंकि कांग्रेस माइनॉरिटीज को लेकर के ऐसी पॉलिसीज थी, माइनॉरिटी को बहुत अपीस किया करती थी कांग्रेस। तो कांग्रेस हालांकि एक टाइम पे अम्ब्रेला पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस में ज्यादातर जितने भी वोट्स आ रहे थे, जितना भी बेसिस इनका सोशल बेस था, वो माइनॉरिटीज पे बेस नहीं गया था। ये भी रीजन है जिसमें हिंदू बहुत इनसिक्योर फील कर रहे थे, तो ये भी रीजन है कि लोगों ने बीजेपी के फेवर में वोट दिया है। एट द सेम टाइम अगर हम देखें, ऐसे एक दो आप लिख सकते हो अपने आंसर में, पार्टी सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, फिर हम देखते हैं कि बीजेपी की हिस्ट्री रिगार्डिंग अगर देखें, तो बीजेपी आई है, इससे पहले थी जनसंघ। जनसंघ को फाउंड किया गया था 1951 में, और इनको फाउंड करने वाले थे श्याम प्रसाद
मुखर्जी। इसीलिए आप देखेंगे कि जब मोदी जी पावर में आए थे तो हमने देखा कि मोदी जी के पावर में आने के बाद काफी जो स्कीम्स लाई गई, बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो लिए गए वो श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पे लिए गए। इसके अलावा हम देखते हैं एक और प्रोमिनेंट लीडर थे जनसंघ के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनके नाम पे भी काफी इनिशिएटिव लाए गए। तो पार्टी का ये मानना है कि स्ट्रांग अपोजिशन नेसेसरी होती है अगर डेमोक्रेसी चाहिए। तो इसीलिए जनसंघ जो स्टार्ट हुई थी इनिशियल डेज में, वो कांग्रेस के ऑपोजिशन में स्टार्ट हुई थी, एक बेहतर ऑपोजिशन देने का, ताकि डेमोक्रेसी इंडिया में एक्सरसाइज की जा सके। इस उससे लाया गया था ताकि जो कांग्रेस सिस्टम है, जो नेहरू के जो भी नेहरूवियन कंसेंसस पे जो भी डिसीजन लिए जाते थे, उसको एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज ये लोग प्रेजेंट कर सके। तो जनसंघ वॉज द पार्टी जो आगे जाकर के जनता पार्टी गवर्नमेंट के नाम से फेमस होगी। एंड इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे इस संघ के साथ में इसको एसोसिएट करने के, दैट इज वाई विल सी कि बाद में जनता पार्टी से बाहर आ जाएगा जनसंघ। एंड बाद में आगे 1980s में, इनफैक्ट 5th of April 1980s, दिस इज द एग्जैक्ट डेट जब बीजेपी फॉर्म की जाएगी जनसंघ से। मतलब पहले जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी गवर्नमेंट, पर वहां से जनसंघ बाहर निकला और फिर बीजेपी बन गया, भारतीय जनता पार्टी। एंड दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल नेशनलिज्म, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन सोशलिज्म, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म इज प्रेजेंस ऑफ स्टेट इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, राइट, दैट इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। अनलाइक हिंदू महासभा, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म ऑफ बीजेपी, इसका एम रहता है गिविंग इक्वल प्रोटेक्शन टू इनजैक्ट, गिविंग इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल पीपल। इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल पीपल, सो दिस इज रिगार्डिंग द राइट और द भारतीय जनता पार्टी। देन इसके अलावा एक और है थर्ड फ्रंट, जिसको हम बोलते हैं फ्लूड कैटेगरी है बेसिकली, जिसमें कॉम्बिनेशन है, चेंज होता रहता है। इसमें क्या होता है कि रीजनल पार्टीज का थर्ड फ्रंट बन जाता है। देन देयर इज पार्टी सिस्टम में हमारा थर्ड फ्रंट भी आता है, थर्ड फ्रंट। थर्ड फ्रंट इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ रीजनल पार्टीज, कलेक्शन ऑफ रीजनल पार्टीज। थर्ड फ्रंट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, हम देखते हैं, फिर भी काफी परसेंटेज ऑफ वोटर्स है जो इनके लिए वोट करते हैं, बट इनकी स्टेट लेवल पे ज्यादा डोमिनेंस रहती है, नेशनल लेवल पे ज्यादा डोमिनेंस इनकी नहीं रहती है। थर्ड फ्रंट में आपके ओबीसीज आ जाते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एज वेल एज जो दूसरे सेक्शंस हैं, जैसे मुस्लिम्स आ जाते हैं थर्ड फ्रंट में, दलित्स, इनका थर्ड फ्रंट बन जाता है। तो थर्ड फ्रंट में भी वैसे एक सिग्निफिकेंट मूव फोर्स मान ही लिया जाता है, लेकिन थर्ड फ्रंट ऑल्सो फॉर्म्ड गवर्नमेंट एट यूनियन लेवल। दो टाइम ऐसा हुआ था कि वैसे तो ये स्टेट लेवल पे ज्यादा रहते हैं एक्टिव, लेकिन यूनियन लेवल पे हम देखेंगे, सेंटर के लेवल पे 2 बार ऐसा हुआ था जब इन्होंने सरकार बनाई थी। सबसे पहले तो 1989 में इनकी सरकार बनी थी नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट नाम से, दैट वॉज फॉर्म्ड। इसमें बीजेपी ने इनको सपोर्ट दिया था उस टाइम पे, ठीक है, 1989 में। और फिर बनी थी एक यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी, ये बनी थी 1996 में, 2 बारी बनी थी। ये बनी थी इस टाइम कांग्रेस के सपोर्ट से। चेंज होता रहता है बेसिकली इसमें।
कांग्रेस के सपोर्ट से एंड जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसके यू नो सपोर्ट से दो बार सरकार बनी है थर्ड फ्रंट की, इससे ज्यादा बनी नहीं है। ठीक है, वैसे ज्यादातर जो सिस्टमैटिक रेलेवेंस रहती है इंडियन पॉलिटिक्स में वो रहती है एक तो इनकी आपके कांग्रेस की और राइट की। तो जो थर्ड फ्रंट है दे कुड नेवर प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत कम टाइम तक, जैसे 1989 में आई थी, 1991 में दोबारा से इलेक्शंस हो गए थे, जैसे 1996 में आई थी, 1998 में दोबारा इलेक्शंस हो गए थे, क्योंकि इसमें कभी जो सरकार बनी है कभी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाई, दैट्स व्हाई अनस्टेबल रहती है। रीजन इसका यही है कि यू नो हमेशा ये इलेक्शन से पहले ही इमर्ज होती है और जैसे ही इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं थर्ड फ्रंट भी डिसॉल्व हो जाता है, मतलब ये एक्टिव नहीं रहते, कंटिन्यूसली एक्टिव नहीं रहते, ये भी एक रीजन यहाँ पर है। तो 2008 में भी आप देखोगे थर्ड फ्रंट फॉर्म होगा, यूनाइटेड नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, ठीक है, और आगे 2014 में हम देखेंगे 14 पार्टीज थी ऐसी जो मर्ज करके जिन्होंने थर्ड फ्रंट अपना बनाया था, यू नो कांग्रेस को बेसिकली चैलेंज करने के लिए, एट द सेम टाइम यू नो बीजेपी क्योंकि कॉमनल था उस टाइम पे तो इसके अगेंस्ट में इन्होंने बनाया था, और जैसे ही 2014 के इलेक्शन में बीजेपी जीत गया तो थर्ड फ्रंट डिसॉल्व हो गई, उसके बाद हट गई है, मतलब तो साथ में सारा टाइम काम नहीं करते हैं ये, तो दे गेट डिसॉल्व। इनफैक्ट 2014 के इलेक्शन के बाद तो 24 घंटे के अंदर अंदर ही सब गायब हो गए, पूरा फ्रंट गायब हो गया था। थर्ड फ्रंट में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लीडर्स होते हैं, देयर आर टू मेनी लीडर्स, एक तो प्रॉब्लम ये लीडरशिप में कुछ लीडर्स होने चाहिए, और थर्ड फ्रंट बनाया जाता है अपॉर्चुनिटिज्म को ध्यान में रख के, मतलब बस ऐसी अपॉर्चुनिटी कि हम पावर में आ जाएं। आपको पता है इस टाइप का काम नहीं करता, इनस्टेबल रहता है, कोएलिशन टाइप का। दूसरा हम देखते हैं कि ये बहुत इनडिफरेंट रहते हैं अपने अप्रोच में, मतलब ये पहले तो जो पॉलिटिक्स में हो रहा होगा सब यू नो हमारे वर्ल्ड, मतलब जो भी कंट्री में हो रहा होगा उससे कोई मतलब नहीं है, इलेक्शन पास में आएंगे तो एक्टिव हो जाते हैं। दूसरा नेशनलिस्ट एजेंडा इनका नहीं है, नेशनलिस्ट एजेंडा या यू नो नेशनल लेवल पे हम देखते हैं इनका कोई ऐसा सच एजेंडा नहीं है। फिर इसके बाद आ जाता है आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी आई है बॉब, ये ग्लोबलाइजेशन का बाय प्रोडक्ट था बेसिकली, आम आदमी फिनोमिना इज नॉट यूनिक, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बस इंडिया में ही आम आदमी पार्टी इस तरीके से आई, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यू नो पाकिस्तान में भी देखने को मिलेंगे, पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ थी पार्टी वो ऐसे ही आई थी, ऐसे ही ग्रीस में भी पार्टी है, ब्राज़ील में भी ऐसी पार्टी आई थी वर्कर्स पार्टी आम आदमी पार्टी की तरह, हांगकांग में पीपल्स मूवमेंट करके एक पार्टी है ऐसे स्टार्ट हुई थी। तो आम आदमी पार्टी को अर्बन फिनोमिना माना जाता है, आम आदमी पार्टी रूरल एरियाज में ना होकर के अर्बन एरियाज में ज़्यादातर सीमित रहती है, और ग्लोबलाइजेशन के चलते आपको पता है आज के टाइम पे इनइक्वालिटीज कितनी बढ़ गई हैं, मतलब यू नो अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो इन इसी के चलते ये जो इनइक्वालिटीज इतनी बढ़ गई हैं, इसी के चलते डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गई है लोगों में, ग्लोबलाइजेशन बहुत एक्सपोजर प्रोवाइड करता है राइट, तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस भी बढ़ गई, गुड गवर्नेंस को लेकर के लोगों की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई कि बहुत बढ़िया से होना चाहिए सब कुछ, जैसे आप कहीं पे भी किसी सरकारी दफ्तर में जाओगे तो यू बी वेरी मच पिस्ड ऑफ कि किस तरीके से काम होता है, एक काम को जरा सा काम होता है उसको करने के लिए आपको दो दो तीन तीन घंटे लग जाते हैं, ऑनलाइन होना चाहिए, ज़्यादा से काम के लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ता है, तो गुड गवर्नेंस कहीं ना कहीं ध्यान में रहेगी, लोगों की अवेयरनेस इसमें बढ़ेगी तो लोग उस चीज़ के लिए यू नो एक पार्टी फॉर्म करेंगे, जैसे आम आदमी पार्टी 2012 में फॉर्म की गई एंड एंटी करप्शन मूवमेंट के फॉर्म में बेसिकली इसको लाया गया था, एंड एंटी पॉलिटिक्स अपने आप को बताती है, एंटी आइडियोलॉजी बताती है, पावर पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करती आम आदमी पार्टी, बट वी सी दैट ये सिर्फ पॉलिटिक्स इसलिए ज्वाइन कर रही हैं, पावर के लिए ज्वाइन नहीं कर रही, ये इसलिए पॉलिटिक्स में आ रहे हैं ताकि ये देश में चेंज ला सके,
bring the change. So they need power, but they need power to change the system. ये system को change कर सके ताकि अंदर से ही. Because pressure अगर आप बाहर से डालोगे, outside से pressure डालोगे तो उससे change नहीं आएगा system में, वो काम नहीं करेगा. इसलिए आम आदमी पार्टी हाई कमांड कल्चर को बिलीव नहीं करती है कि ऊपर से ऑर्डर दे दिया बाकी सब वही फॉलो करेंगे. आम आदमी पार्टी बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है कि जिन लोगों की समस्या है उनको सुना जाए और उन समस्या को सुन करके जो भी समाधान निकालना है वो लाया जाए बेसिकली. तो आम आदमी पार्टी इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के प्रमोट करती है कि आपस में सभी जो पॉलिटिशियंस हैं या जो भी मेंबर्स हैं पार्टी के उनकी सुनी जाएगी एंड उनसे विचार विमर्श किया जाएगा. और ये भी इनफैक्ट इसमें बोला गया है कि एक ही फैमिली के दो मेंबर्स नहीं बन सकते. दे कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस. दे कैन बिकम द मेंबर, दे कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल. इनफैक्ट तो इनका अपना अपना है और इनफैक्ट मेंबर्स के पास में इतना भी वो पावर दी गई है आम आदमी पार्टी में कि अपने ही मेंबर्स को रिकॉल कर सकते हैं. अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हटा भी सकते हैं. दिस इज अबाउट आम आदमी पार्टी. खैर आम आदमी पार्टी इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, ठीक है. थोड़ा सा फीचर्स वगैरह में आप इनको बोल सकते हो. बाकी मेन जो इश्यू इसमें रहेगा वो कांग्रेस और बीजेपी सिस्टम, राइज ऑफ राइट को लेकर के ट्रेंड बहुत ज्यादा है. जैसे इस साल भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लोगों का जो इलेक्टोरल बिहेवियर है वो कैसे चेंज हुआ. तो उसके लिए मैंने बहुत सारे रीजंस लिस्ट आउट किए हैं कि ये भी रीजन है कि आज के टाइम पे अलग हो रहा है सेक्युलरिज्म और माइनोरिटिज्म को लेकर के, उसको उसको अवॉइड करके वी सी देर आर अदर एरियाज डेवलपमेंट को, गुड गवर्नेंस को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं आज के टाइम पे लोग. इनफैक्ट रूरल हो चाहे अर्बन हो, एवरी वन इज दैट इज वाई फोकसिंग ऑन दैट. एंड दैट वी कैन सी इज एविडेंट इन, ये हम देख सकते हैं 2014 के इलेक्शन में जहाँ 282 सीट्स मिली, 2019 के इलेक्शन में जहाँ 303 सीट्स मिली हैं बीजेपी को. सो विद दिस वी आर डन विद द पार्टी सिस्टम. थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं. लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स और इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज सोशल मूवमेंट्स. ठीक है, वैसे मैं आपको रेकमेंड करूंगी सोशल मूवमेंट्स के केस में कि सोशल मूवमेंट्स में आप बीएल फाडिया से पढ़िएगा. बहुत अच्छे टॉपिक वहां पर दिया गया है, वेमेन मूवमेंट, ग्रास रूट टाइप. गुड आफ्टरनून विकास. आईआर का रेगुलर कोर्स कल से स्टार्ट है सुबह 10 बजे से. ठीक है, सुबह 10 बजे से क्लासेस स्टार्ट है. दैट विल बी द रेगुलर कोर्स जिसमें बेसिक्स हम कवर करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के. 10 से 12 की क्लास रहेगी. तो लेट्स टेक अ फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं. ठीक है, तो अभी 2:44 हुए हैं, 2:40, 2:50 पे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लिंक नहीं मिल रहा है. जनरल स्टडीज करके एक बैच है जो जून में शुरू हुआ था, विकास जनरल स्टडीज बैच फॉर प्रीलिम्स. एंड आई थिंक दिस इज इट इज बैच बी नाम से फेमस होगा. एंड काफ़ी सारे लेक्चर्स वैसे उसमें आ चुके हैं लेकिन उसी में 20 दिसंबर से सेशन शुरू है. अलग से कोर्स नहीं है वो, उसी में ऑलमोस्ट 28 आवर्स की क्लासेस हैं. अप्रॉक्सीमेटली 30 घंटे की क्लासेस रहेंगी उसमें. हाँ, कंबाइंड बैच में है, करेक्ट. अलग से नहीं होगा, कंबाइंड बैच में ही रहेगा. जनरल स्टडीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस जून हिंदी इस नाम से है, जून हिंदी. ठीक है, उसमें ढूंढ लीजिए, उसी में क्लासेस कल से शुरू होंगी. एनीवेज 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर शुरू करते हैं. 2:50 पे लेट्स स्टार्ट द सोशल मूवमेंट्स, उसके बाद में आगे फिर कवर करेंगे. I'm just wondering.
हाय विकास, नहीं वो क्लासेस जनवरी 1 से नहीं है, 20th दिसंबर से हैं। सबसे पहले जो भी आप देख रहे हो कोर्स, वो जनवरी से शुरू होगा, ठीक है। वो कोर्स उसी का कंटिन्यूएशन है अलग से, जो इस मंथ चल रहा है उस वाले में देखिए, कल से क्लासेस शुरू है उसमें, 20th ऑफ दिसंबर से। आपने अगर मुझे अनअकैडमी पे फॉलो किया हुआ है और अगर आपने इस जनरल स्टडीज वाले कोर्स में जो हिंदी वाला है इसमें अगर आपने एनरोल किया हुआ है तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन का, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, विल गेट द नोटिफिकेशन। अपकमिंग कोर्सेस, हाँ ऑनगोइंग में देखना चाहिए था आपको। खैर तो ऐसा करते हैं, सोशल मूवमेंट्स का जो टॉपिक है आज हमारी एक और क्लास है, सोशल मूवमेंट्स उसमें कवर करेंगे हम, विल कवर सोशल मूवमेंट्स इन दैट सेशन, ठीक है। वहीं से शुरू करते हैं स्क्रैच से, अदरवाइज बीच में प्रॉब्लम रहेगी फिर। वैसे भी ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स आर लेफ्ट, सो आई एंड दिस सेशन, विल कॉन्टिन्यू दिस लेटर ऑन।